नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट टेबल पे, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से और आप सबको जानना बेहद जरूरी है। आप सबको बता दें कि हमारे जो क्लासेस है वो शाम को 6 बजे आ जाती है और अभी जो मैथ्स की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं जल्दी ही, और रीजनिंग की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, और साइंस की तीन क्लासेस बहुत जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। शाम को 8 बजे टेस्ट आता है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप सब लोग उस टेस्ट को ज्वाइन किया करें, ठीक है। सभी लोग जो है उस टेस्ट को जो है वो ज्वाइन किया करो ताकि वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो हम बात करते हैं ताम्रपाणि संस्कृति यानी सावधान विद्या की, जो सवाधान विद्या होती थी, ठीक है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि सवाधान क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यह है सवाधान क्या होता है। तो सवाधान जो है वो क्या होता है, जब हमें ये जानना है। तो कल हम संस्कृत विधियां कुछ पढ़ करके आए थे, क्या सभ्यता होती है, ताम्रपाषाण कालीन, कल के पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यदि हम उनके विधियों की बात करें तो उनकी दो विधियां हैं, ध्यान देना। सावधान जब भी यदि सवाधान विधियों की बात करें तो उनकी कितनी विधियां हैं, ध्यान से नोट करिएगा। सावधान विधियों की बात करें तो उनकी दो विधियां हैं, ठीक है ना। एक का नाम क्या है, एक का नाम है आंशिक सावधान, एक का नाम क्या है आंशिक सावधान, और दूसरी विधि का नाम है पूर्ण सावधान। क्या है, पूर्ण सावधान, देख रहे हैं ना आप, सावधान, दूसरे का नाम पूर्ण सावधान। इस तरीके से हमें समझना है। अब आंशिक समाधान क्या होता है, एक्चुअल पे आंशिक समाधान वो होता है जिसमें मृतकों का आंशिक समाधान जब होता है तो अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए उनको हम आंशिक प्रमाण बोलते हैं, ठीक है ना। इन्हें हड्डी दफनाई हुई मिली, मृत्यु के बाद मृतक की लाश को खुला छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षियों की के द्वारा जब वो मांस खा लेते थे, ठीक है ना, जब पशु पक्षी क्या करते थे, जब मांस खा लेते थे मृतक के बाद, मनुष्य को जो छोड़ दिया जाता था खुला, जो मांस खा लेते थे, तो मांस खाने के बाद जो हड्डी बचती थी, ठीक है ना, जो क्या बचती थी, हड्डी बचती थी, इस हड्डी को दफना दिया जाता था, और यही क्या होता था, आंशिक समाधान होता था, ठीक है ना। और जब बात की गई समाधान विधियों में, ताम्रपाषाणिक जब संस्कृति में जब बात करें हम, तो एक तो समाधान जो आंशिक समाधान, ये अक्सर पूर्वी भारत में मिलता था, ध्यान से देखना, ये पूर्वी भारत में आंशिक समाधान आपको मिलेगा। इसके बाद जब पूर्ण समाधान की बात करें तो किस एरिया में मिलता है, किस क्षेत्र में, तो पूर्ण समाधान आपको जो है वो पश्चिमी भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कहाँ मिलता है, पश्चिमी भारत में इसका क्षेत्र जो है वो मिलता है। जब पूर्ण समाधानों की बात कर ले तो चूंकि इसमें जो व्यक्ति होता था जो खत्म हो जाता था, जो मर जाता था, उसको पूर्व पश्चिम क्रम से होता था, ठीक है, यानी पूर्व की ओर जो है उसका सिर होता था, ठीक है ना, किधर, पूर्व की ओर इधर वो सिर होगा और इधर जो है वो व्यक्ति का पैर होगा, क्या होगा, व्यक्ति का पैर होगा। इस तरह करके व्यक्ति को दफना दिया जाता था। ध्यान से समझ में आ रही बात ना, आंशिक समाधान में हम सिर्फ क्या करते थे, आंशिक समाधान में हम सिर्फ जो है तो व्यक्ति की हड्डियों को दफनाते थे और पूर्ण समाधान में व्यक्ति को ही दफनाते थे। जैसी ये बात क्लियर होती है तो हमें एक बात इस नक्शे पे और जानने को मिलती है, कौन सी बात होती है, बात ये होती है भारत जो दक्षिण भारत और उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत के कोई साक्ष्य नहीं मिले, दक्षिण भारत में जो है वो दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, पश्चिम की तरफ पैर ये देख रहे होंगे आप और पूर्व की तरफ सिर तरफ। जब आप महाराष्ट्र के इलाके में पहुंच जाएंगे, यहीं पे जब पश्चिम दक्षिण ले लो, जो आपका यदि नक्शा दिया जाए तो पश्चिम दक्षिण क्षेत्र है, तो यहाँ पे उत्तर की ओर जो है वो सिर होता था और दक्षिण की ओर जो है वो क्या होता था, पैर होता था। तो इस तरीके से वहां सावधान की विधियां जो है अपनाई जाती। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जब ये समझ में आ गई हमारे विधियां सावधान विधियां, तो हम इस सावधान विधियों से संबंधित जो है कुछ साक्ष्यों को जानेंगे, ध्यान देना, सावधान, ठीक है, सावधान के बारे में हम जानते हैं। जब हम सावधान बात करें तो चूंकि महाराष्ट्र के लोग मृतक की जो लाश को भी मैंने बताया आपको कि उत्तर से दक्षिण की ओर गाड़ते थे, पश्चिमी महाराष्ट्र की चदोली निवासा बस्तियों में भी ये पाया गया है, कुछ बच्चों के गालों में तांबे की मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया जाता था, किसका, मनके के तांबे का, ठीक है, तांबे का जो है वो हार पहनाकर उनको जो है दफनाया जाता था। जब अज्ञात में जाते हैं, जब अज्ञात में जाते हैं तो ध्यान दें,
अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां व तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी जिससे परलोक में मृतक इसका प्रयोग कर सके, ऐसी मान्यता थी। ठीक है ना, क्या रखा जाता था, क्या रखा जाता था मृतक के साथ में उसके कब्र में जो है, तो एक तो उसकी हड्डियां होती थी आंशिक समाधान में, ठीक है ना, एक तो क्या होती थी हड्डियां होती थी, और हड्डी के साथ में जो है, हड्डी के साथ में जो है वो तांबा, ठीक है, हड्डी के साथ में जो है वो तांबे की कुछ जो है वो साक्ष्य रखे जाते, तांबे के कुछ धातु वस्तुएं रखी जाती थी जिससे व्यक्ति यहाँ से उस लोक में जाए, परलोक में जाए तो क्या करे, वहां कुछ जो है उसे इस्तेमाल कर सके। ठीक है, जैसे ये चीज हमारे क्लियर होती है तो हम क्या करते हैं अगले मैपिंग में चलते हैं, और अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है ध्यान से समझिए। अगला लौह उपकरण प्राप्ति स्थल, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत जरूरी चीजें जानने को मिलती है हमें कि जब हम धातु युग में चलते हैं, ध्यान देना है एक बात हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप मैप समझ लो, धातु युग हम आगे आपको समझा, ठीक है। देखिए लोहे के कृषि उपकरण यहाँ से मिले हैं, ये भारत का मैप है, देख रहे हो ना आप सब लोग, ब्लू कलर का भारत का मैप है। अब उसमें ये नर्मदा है, उज्जैन है, कायथा है, एरण है, नैपुर है, जूनागढ़ी है, जूना पानी है, प्रकाश है, ठीक है ना, यहाँ से लोहे के कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक में जो है वो लोहे के भली साक्ष्य मिले, देखिए। फिर इसके बाद यदि यहाँ देख लिया जाए जोधपुर जयपुर में, यहाँ हत्था लगाने के क्षेत्र जो कुठार मिले हैं, ठीक है। फिर यदि हम यहाँ बात करें तारीवाड़ की, यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे पया मल्ली मिला है, ठीक है। फिर ये इस तरीके से ये पूरा मैप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज है, ये जो अंतरजी खेड़ा में 1000 लोहे, भारत में लोहे का प्रथम जो साक्ष्य है वह 1000 ईसा पूर्व से एटा जिले में मिला है। कहाँ मिला है, एटा जिले में मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लो क्योंकि यहाँ पे जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम आगे इनको समझाते हैं, आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो जब भी हम धातु युग की बात करें, यहाँ पे दो चीज मिलता है, देखिएगा। एक आप लोग देखिए धातु युग की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, धातु युग की, ठीक है। जब धातु युग को हम देखते हैं तो यहाँ पे तीन युग मिलते हैं हमको, एक ताम्र युग, एक क्या मिलता है ताम्र युग, दूसरा क्या होता है ताम्र युग के बाद दूसरा जो होता है वो कांस्य युग होता है। कांस्य युग तीसरा जो है वो क्या होता है, कांस्य युग के बाद एक होता है लौह युग, ध्यान देना जल्दी से आप लोग बताओ, लौह युग ये तीसरा होगा आपका, लौह युग होगा, ठीक है। आप बात समझना है, जब हम ताम्र युग की बात करें, ध्यान से समझिएगा इसको, जब हम ताम्र युग की बात करें तो यहाँ पे एक बात नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। जब ताम्र युग की बात करें तो एक बात नोट करना है आप सबको कि अब बात की जा रही है किसकी, ताम्र युग की बात, ठीक है। तो ताम्र युग क्या होता है, एक्चुअली नवपाषाण काल में जब ताम्र युग की बात की जाए तो उत्तरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में स्थलों से ताम्र उपकरण मिले हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी ले लो, ठीक है, जैसे क्या मिले हैं हाथ की कुल्हाड़ी ले लो, ठीक है ना, विशिष्टता दर्शाने वाले तत्व ले लो, जैसे रंग चित्र चमक, इस तरीके के मृदुभांड भी वहां से मिले, ठीक है। और गंगा घाटी ताम्र निधि के नाम से इसको पुकारा गया। तो इस तरीके से जब दूसरा हम कांस्य युग की बात कर लें तो कांस्य युग में मिस्र मेसोपोटामिया यूनान और सिंध घाटी में कांस्य के उपकरण मिले हैं, कहां से, सिंध घाटी, ध्यान दीजिएगा सिंध घाटी में जो है वो कांस्य के उपकरण मिले हैं, ठीक है। और जो मुख्यतः व्यवहार में लाए गए, इसी से वह युग कांस्य युग के नाम से विकसित हो, समझ रहे हैं। जब कांस्य युग के नाम से विकसित होता है तो एक बात इसमें जानने योग्य होती है कि भारत में प्रथम बार शहरी सभ्यता की स्थापना सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान ही हुई थी, ध्यान देना, सबसे पहली बार जो शहरी सभ्यता की जो स्थापना है, ठीक है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही हुई थी, समझ में आ रही बात ना। जैसे ये बात क्लियर होती है तो हम कहां चलते हैं, कांस्य युग में चलते हैं, कहां चलते हैं, कांस्य युग में। अब ध्यान से समझना, कांस्य युग समझना, कांस्य युग समझेंगे तो कांस्य युग क्या होता है, जब ये हमारा हो गया कांस्य युग, कांस्य युग का हमने समझा दिया, अब क्या समझेंगे, लौह। तो मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोहे का जो है, ठीक है ना, जब लोहे की बात की जाए तो इसके विकास क्रम में जो है वो लोहा 2000 ईसा पूर्व के आसपास सीख लिया था मनुष्यों ने इसका प्रयोग करना।
जब उन लोगों ने अपनी समुदाय में इसको सीमित रखा और एशिया माइनर जैसे क्षेत्रों में इसका निर्माण किया, इसकी खोज निकाली, तो लगभग लोहे की ढलाई 1400 ईसा पूर्व, कब 1400 ईसा पूर्व, ध्यान देना 1400 ईसा जो है वो पूर्व में ईसा पूर्व के लगभग इसकी ढलाई की शुरुआत हो गई। और इस तरीके से 1200 ईसा पूर्व तक फिलिस्तान, तुर्किया, सीरिया, ईरान जैसे क्षेत्रों में ये पहुंचा दिया गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, ये सारी जानकारी जो थी। यहाँ पे एक चीज आपको जानने को और मिलेगा, वो बात आप समझ लो। ठीक है, जानने को क्या मिलेगा, ये बात हमें समझना है, क्या मिलेगा, लौह काल का विभाजन, लौह काल का विभाजन। जब लौह काल के विभाजन की हम बात करें तो यहां पे एक चीज देखने को मिलती है, इसको तीन चरणों में विभाजित किया गया, क्या, प्रथम चरण, दूसरा द्वितीय चरण, तीसरा तृतीय चरण। तृतीय चरण आप ध्यान से समझ लो, यदि प्रथम चरण की बात करें तो ये 1300 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसके हालचाल रहे। ठीक है, यदि क्योंकि ये जो है पिराग यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान और कर्नाटक भारत क्षेत्र को कवर करता है। यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की, ध्यान देना, तो यहां का जो समय था वो 1000 से ले लो, चूंकि 1000 बचा था, तो 1000 ईस्वी से ले लो ऐसे 1000 ईसा पूर्व से ले लो और 800 ईसा पूर्व तक चल रहा है। यदि हम बात करें तृतीय चरण की, ध्यान से समझिएगा, यदि हम बात करें तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण में जो है इसका यदि समय की बात करें तो ये ले लो 800 से लेकर के 500 ईसा पूर्व। तो इस तरीके से लौह युग का भी विभाजन हो गया। ठीक है, चलिए, जब लौह युग का विभाजन हो जाता है तो हम अगले अपने स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास पे पहुंचते हैं और कहते हैं हड़प्पा संस्कृति यानी कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में जानते हैं। ये सभ्यता आप देख रहे हैं, ये सभ्यता एक्चुअल पे कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि इसमें अवशेष जो मिले, ठीक है ना, वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। इसमें आरंभिक काल में अधिकांश जो है सिंधु नदी के किनारे, ये सारी जानकारी जो मिली है, तो ये होता है हड़प्पा स्थल। देख रहे हैं ना, ये हड़प्पा का पूरा जो है मैपिंग आप देख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है ना, ये हम आपको दिखाते रहेंगे, बहुत अच्छे महापुरुष आगे मिलेंगे जिनको हम आपको दिखाते रहेंगे ये हड़प्पा होगी। तो हड़प्पा जब हम देख लेते हैं तो एक चीज हमें समझते हैं, ठीक है, हड़प्पा देखने के बाद हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं। ठीक है, समझते क्या है वो बात आपको बता दूं। उसमें यदि समझने की बात आ जाए तो एक चीज हमें ये जानना होता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा की, और राखालदास बनर्जी ने, कब, राय बहादुर दयाराम साहनी, ध्यान देना, राय बहादुर बहादुर दयाराम साहनी, कब, 1921 में, और राखालदास बनर्जी, ठीक है, आर डी बनर्जी, यदि राखालदास बनर्जी की बात करें तो ये 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कराए, किसकी कराए, मोहन जोदड़ो की खुदाई कराए। बात समझ में आ रही, जैसे ये बात क्लियर होती तो हमें ये बात समझना होता है कि मोहनजोदड़ो क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। सभ्यता का नामकरण किस तरह से हुआ, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो सिंधु सभ्यता है इसके निर्माता कैसे थे, तो ध्यान देना, सबसे पहले ये बात समझना, ये है नंबर एक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ध्यान से समझना, सभ्यता का नामकरण है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। दूसरा क्या हुआ, भू मध्य सागरीय सभ्यता। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट में देखें तो सिंधु क्षेत्र के प्रथम प्रजाति मध्य भारत में SC/ST के रूप में विद्यमान। दूसरे नंबर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देखो तो सर्वमान्य मत इस प्रजाति को सभ्यता का निर्माता माना जाता है जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। तीसरे नंबर देखें मंगोलाइड, मंगोलाइड की देखें तो ये हिमालय प्रदेश में थे, म्यांमार सीमांत के क्षेत्र में थे, चटगांव पहाड़ी सिक्किम असम के क्षेत्र में ये थे। चौथे यदि बात करें अल्पाइन की, तो अल्पाइन जो है विशेष मुख्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु में अल्पाइन पाए गए।
इस तरह से सिंधु सभ्यता का निर्माण, ठीक है, ध्यान दीजिए। जब सिंधु सभ्यता का निर्माण हमें पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, अपनी अगली क्लास अटेंड करते हैं, और अगला जो है सिंधु सभ्यता का निर्माण के बाद हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जब यहां पे समझने आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता, चूंकि ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की स्थल को ही खोजा गया था इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता हो गई इसी तरह। अब अगला जो हम आपको एक नाम और दिखाने जा रहे हैं, नाम के साथ साथ चेहरा भी दिखाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहन दारोखिल, मोहन जो दारोखिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोहन जो दारो। अब बात समझिएगा, मोहन जो दारो यानी माउंट ऑफ द डीप मैन, 12 अगस्त 2016, ध्यान से समझिएगा, ये देख लिया ना इनको, मोहनजोदारो फिल्म को, 12 अगस्त 2016, 12 अगस्त 2016, 12 अगस्त 2016 को भारतीय रोमांचक प्रेम कथा पर आधारित हिंदी फिल्म है मोहनजोदारो। यदि निर्देशन की बात करें तो आशुतोष गोवारिकर, और निर्माण की बात करें तो यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स की सिद्धांत राय कपूर और आशुतोष गोवारिकर, सुनीता गोवारिकर यानी फिल्म में ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में अदाकारी कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अब ये फिल्म के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोहन जोदाड़ो पे आधारित है, ठीक है। देखिए, अब जब हम बात करते हैं मोहन जोदाड़ो की, तो यहाँ पे चूंकि मोहनजोदारो फिल्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये बात समझने लायक है कि इनका जो कहानी है वो क्या है, किसान, किसान जो रोशन है, ठीक है, किसान, किसान की यदि हम बात करें तो रोशन, किसान मतलब इसमें दिया गया है रोशन, ठीक है, ध्यान देना, रोशन, ठीक है। और मोहनजोदारो नगर की ओर यात्रा करने वाले पुनः नगर की संभ्रांत वर्ग की औरत हेगड़े से हुए प्रेम को लेकर बुना गया है, सभी लोग ये मूवी देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसके प्रेम से लेकर बुना गया है, और जिसके परिणाम में वह नगर की अभिजात वर्ग को चुनौती दे डालता है, और आखिर में उसी नगर के अपरिहार को विनाश के रूप में संघर्ष भी करवाता है। फिल्म के यदि हम संगीत की बात करें, यदि हम फिल्म के संगीत की बात करें तो इसका जो प्रदर्शन है वो 12 अगस्त, इसका जो प्रदर्शन है वो क्या है, 12 अगस्त 2016 को हुआ, 12 अगस्त जो है वो 2016 को हुआ। जब ये 12 अगस्त 2016 को फिल्म का प्रदर्शन हो जाता है तो इसमें दो लोगों ने, एक सरमन और भोजो, दो व्यक्तियों ने इसको वैश्विक स्तर पर जारी किया, ठीक है। एक का नाम क्या था, सरमन नाम था, और दूसरे का नाम क्या था, भोजो था। ये दोनों ने वैश्विक स्तर पर क्या कर दिया, जारी किया। जब दोनों ने इसको वैश्विक स्तर पर जारी किया तो यहाँ पे अब हम आपको दिखा देते हैं, मोहन जोदारो फिल्म की बात जब हो गई, कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज दिखाते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये हड़प्पा सभ्यता जो हमारी थी इसका विस्तार किस तरीके से हुआ, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसमें चार भौगोलिक स्थल, ठीक है ना, एक था मांडा, ठीक है, चार भौगोलिक स्थल थे, ध्यान देना, एक था क्या, मांडा। पहले भौगोलिक स्थल की बात करें तो क्या था, मांडा। अब पहले इसको समझा देते हैं आपको, इसके बाद मैप पे चलते हैं, पहले देखिए। अब चार भौगोलिक स्तर की बात करें तो एक क्या था, मांडा था। दूसरे भौगोलिक स्तर की यदि हम बात करें तो दूसरा क्या था, आलमगीर था। क्या था, आलमगीर, ठीक है, आलमगीर के बाद तीसरे भौगोलिक स्तर की हम बात करें तो क्या था, दैमाबाद था। और चौथे भौगोलिक स्थल की हम बात करें तो क्या था, सुतका गैंडोर था। सुतका गैंडोर। अब जब हम मांडा की बात करें तो चूंकि ये अखनूर जिले में चिनाब नदी के पास है, ध्यान दीजिएगा, अखनूर जिला चिनाब नदी के पास मांडा है। अब हम इसको मैपिंग में समझते हैं, ये चीज हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे चार नाम लिख लिया आप लोगों ने, अब चलिए मैपिंग में, ठीक है, अब मैपिंग में चलिए। ये है आपका मांडा, देख रहे हैं आप, ये आपकी होगी सेंटर पॉइंट, ये आप हो गए आप। अब यहां से आप उत्तर की ओर जब जाएंगे तो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में मांडा,
ये अखनूर जिला में कौन सी नदी है? यहां से चेनाब नदी बहती है। दूसरा, जब आप पश्चिम में जाएंगे, चूंकि इसकी जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर की है। जैसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ेंगे तो एक महाराष्ट्र मिलेगा जहां गोदावरी नदी मिलेगी। महाराष्ट्र में एक नगर है दैमाबाद, जिसका नाम है अहमदनगर जिला, दैमाबाद मिलेगा। यहां से भी हड़प्पा के साक्ष्य मिले, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ। यदि हम पश्चिम में विस्तार की बात करें तो यहाँ पे बलूचिस्तान में हुआ है, जो सुतका गेंडो है, एक नदी है जिसका नाम है दास्क नदी। और पश्चिम से पूरब की जो दूरी है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर की, ये लिखा हुआ है 1600 किलोमीटर पूर्व। यहाँ पे जब 1600 में जब पूरब में आते हैं तो यहाँ हेडर नदी मिलती है, आलमगीरपुर मिलता है, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में, ठीक है ये। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में यहाँ से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में एक सहारनपुर जिला है, वहां से जो है वो गेहूं के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? विस्तार हो गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हो जाता है तो हम एक चीज और समझते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब इनको हम जानते हैं, नियोजित शहरों में यदि ले लिया जाए, इसी हड़प्पा सभ्यता के नियोजित शहरों में ले लें, तो एक पश्चिम टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। पश्चिम टीला यदि अधिक ऊंचाई पर होता था और जो पूर्वी टीला होता था वो कम ऊंचाई पर होता था। ध्यान से समझना, अब ये कम अधिक ऊंचाई पर होता था तो इसे दुर्ग कहा जाता था, जिसे दुर्ग के टीला के नाम से भी जाना गया। इसमें पुरोहित वर्गों की ज्यादा प्राथमिकता, ये पुरोहित वर्ग मिलके, और इधर जो है तो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को ले लो तो निचला शहर या नगर का टीला के नाम से जाना गया। और इसमें व्यापारिक वर्ग, जो नागरिक वर्ग थे, जो सैनिक वर्ग थे, यानी व्यापारिक वर्ग और पुरोहित वर्ग दोनों लोग मिलकर के धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, ठीक है। इस तरह से शहर वहां पर नियोजित हुआ सिंधु शहर। फिर जैसे ही सिंधु शहर हमारा क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम मिलते हैं बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी से, ठीक है। एक व्यक्ति है बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी, आपके मन में प्रश्न आया होगा ये कौन है। एक्चुअल पे ये इन्होंने ही रेडियो कार्बन 14, ध्यान देना किसकी, रेडियो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 इन्होंने ही रेडियो कार्बन 14 निर्धारित किया था। क्या किया था? निर्धारित किया था, बात समझ में आ रही, निर्धारित किया था, ठीक है। अब जब ये बात क्लियर हो जाती है विलार्ड फ्रैंक लिब्बी, तो मैं आपको बता दूं इनके बारे में। 1940 में इन्होंने, इनका जो विकास प्रणाली शुरू हुई, और इनको 1960 ईस्वी में इस खोज के लिए नोबल पुरस्कार भी मिल गए, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1940 में इन्होंने कुछ कमाल किया, ठीक है, और 1960 में इनको जो है इस कार्य के लिए पुरस्कार भी मिल गया, जिसका नाम था नोबल पुरस्कार। अब एक सवाल है, नोबल पुरस्कार किसे दिया जाता है, नोबल पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, कमेंट पे आपको बताना है, ठीक है। चलिए, जब ये सारी बात क्लियर होती है तो हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं, और अगला जो हमारा, अगले लेक्चर पे पहुंचते हैं, तो अगला जो हमारा विशाल स्नानागार, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। पहले के लोग जो थे वो विशाल स्नानागार पे बहुत फोकस, यहां देख रहे हैं आप, यहां पानी भरा जाता था, ये सीढ़ियां होती थी, ठीक है। अब देखिए, ये जो है वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था, ठीक है, दुर्ग के क्षेत्र में किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि इसके पीछे जस्ट कि जो दुर्ग का क्षेत्र होता था वो ऊंचाई के क्षेत्र में होता, अधिक ऊंचाई के क्षेत्र में होता, ठीक है ना। और इसे स्नान कुंड के नाम से भी जाना गया, क्या नाम, क्या जाना गया, स्नान कुंड, स्नान कुंड के नाम से भी जाना गया, ठीक है, विशाल कुंड, स्नान कुंड के नाम से भी ये जाना गया, ठीक है। अब विशाल स्नानागार का उपयोग जो है सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए होता है। जैसे आज भी लोग जो है तो एक जगह इकट्ठा होकर नहाते हैं, नदी जैसे ले लो, तालाब ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो जॉन मर्सल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया, और यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। ये किसके द्वारा बताया गया? जॉन मर्सल के द्वारा, हाँ समझ रहे हैं ना, जॉन मर्सल के द्वारा बताया गया, ठीक है। जैसे जॉन मर्सल के द्वारा ये चीज बताई गई तो ये सारी बात हमारे समझ में आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अगले अपने साक्ष्य पे चलते हैं, अगला हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। जो अगला स्ट्रक्चर है वो पशुपति मुहर है, एक मुहर थी पशुपति मुहर, ध्यान से देखिएगा। ये मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई थी, कहां से हुई थी, मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई थी ये पशुपति मुहर। मोहन जोदड़ो से जब प्राप्त हुई तो समझिए इसके बारे में, पशुपति मुहर देख लें ध्यान से। अब जो लोग पशुपति मुहर देख लें वो ध्यान से समझे, इसको जॉन मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा दी है। क्या बोला है कि ये आद्य शिव है, ठीक है, भगवान शिव है, ठीक है, कौन, पशुपत, समझ रहे हैं बात को।
आदि शिव की संज्ञा दी है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष की एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है और उसके सिर में क्या है, उसके सींग है। देखें आप लोग, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, देखिएगा, ये इसका जो सिर है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सिर है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं आपको, ये इसका जो सिर है देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सिर जो है उसको क्या कर दिया गया है, सिर को कलराइज वो कर दिया गया है, देख रहे हो क्या आप, ठीक है, ये सिर है, यहां पर सींग है, सिर में सींग है, तथा कलाई, ये जो कलाई है, कलाई में जो है वो चूड़िया पहना हुआ है। देखिए ये कलाई है, यहां देखिएगा और यहां दोनों जगह देखिएगा, ये चूड़िया पहने हुए है, ठीक है, पशुपति मुहर जो मिली थी। और साथ ही में उसके दाई ओर बाघ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दाई ओर क्या है, बाघ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, दाई ओर बाघ जो है, और बाई ओर जो है वो गैंडा, बाई ओर गैंडा है, ठीक है, और दाई ओर बाघ, बाई ओर गैंडा, समझ में आ रही ना, और भैंसा, तथा चौकी के नीचे दो हिरण है, ठीक है, चौकी ये जहां वो बैठा हुआ है इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे दो हिरण है, ठीक है ना, ये यहाँ पे पशुपति मोहन में दिखाया गया, मैं कंटिन्यू क्लास में बताया था, इस पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ इनको दिखाया गया, ठीक है। इस मोहर में जानवरों की कुल संख्या कितनी थी, छह थे, कुल टोटल छह जानवर इस मोहर में दिखाई देते थे, ठीक है ना, और इस आकृति को शिव यानी हिंदू धर्म का रूप माना जाता है, ध्यान से समझना। और इसमें जो है, जबकि जानवरों के कुल पांच प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे छह जानवर दिखाए गए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दो हिरण है इसीलिए छह हो जाते हैं, ध्यान देना। आरंभिक आर्थिक आरंभिक जो ग्रंथों के यदि धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन शिव का विपरीत जो है वो रुद्र को यानी ऋग्वेद में ना तो पशुपति यानी मवेशी स्वामी और ना ही एक योगी के रूप में इनको दिखाया गया। तो इस तरीके से ये महाराज थे पशुपतिनाथ। तो आप सभी लोग जो है ध्यान से इनको पढ़ें, ध्यान से समझें और जितना ज्यादा हो सके इन्हें समझने की कोशिश करें। कल हम आपको बताएंगे प्रशासनिक राजधानी, पुरोहित राजा की मूर्तियों के बारे में जानकारी देंगे, कल हम आपको अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी देंगे, किस तरह के अंतिम संस्कार होते थे, ठीक है ना, वो सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। स्वास्तिक चिन्ह देंगे, मातृ देवी को दिखाएंगे आपको, ठीक है, और बहुत सारी विलुप्त सरस्वती नदी के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लिपि के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, नर्तकी भी दिखाएंगे कल हम आपको। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, तो पढ़ते रहे कंटिन्यू, ठीक है, कोई भी समस्या है कमेंट पे आप बताते रहे, ठीक है ना, आगे चल के आपको बेहतर लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे इस पे प्रोग्रेस हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।